हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं ओमन मार्टिन और मैथ्स प्लस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1G क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर रहे हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 15^3/9^1/4^-6। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, लिखेंगे 15^3/9^1/4^-6 इजिकल टू, किसी भी नंबर का पावर अगर माइनस में होता है तो हम उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं। लिखेंगे 9^1/4/15^1/3^6 इजिकल टू, यहाँ पर हम 9 को भी फैक्टराइज करके लिख सकते हैं, 3^2^1/4/15^1/3^6 इजिकल टू, यहाँ पर हम लोग पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। लिखेंगे 3^2 × 1/4 बाय 15^1/3^6। यहाँ पर 2 और 4 को कॉमन फैक्टर्स डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 इक्वल टू 3^1/2 × 15^1/3^6 इक्वल टू, लिखेंगे 3^1/2 × 15^1/3^6 इजिकल टू, अब यहाँ फिर से हम लोग पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। लिखेंगे 3^1/2 × 6 × 15^1/3 × 6 कॉमन फैक्टर्स डिवाइड करेंगे 2 और 6 को, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 और 3 और 6 को भी कॉमन फैक्टर्स डिवाइड करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 इजिकल टू 3^3/15^2 इजिकल टू 3³=27/15² = 225 एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है 12^5/27^1/5^5/2 इजिकल टू, हम जानते हैं 1^m/b^m होता है तो हम लिख सकते हैं a/b^m, तो इसी का इस्तेमाल करते हुए हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग का हो जाएगा 12^27^1/5^5/2 अब यहाँ 12 और 27 को कॉमन फैक्टर्स डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 4 = 12, 3 × 9 = 27 इजिकल टू 4/9^1/5^5/2 अब यहाँ पर हम लोग 4/9 को भी लिख सकते हैं, 2/3^2 × 1/5/5/2 इजिकल टू, हम लोग जानते हैं 1^m और उसका पावर n होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिखते हैं 1^mn, तो इसी का इस्तेमाल करते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग का हो जाएगा 2/3^2 × 1/5 × 5/2 2 और 2 कॉमन फैक्टर्स डिवाइड हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 5 और 5 भी कॉमन फैक्टर्स डिवाइड हो जाएगा, 5 × 5, 5 × 5 इजिकल टू 2/3^1 = 2/3 एंड दिस इज आवर आंसर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है
15 का पावर 1 बाय 4 बाय 3 का पावर 1 बाय 2 होल टू द पावर माइनस 2। किसी भी नंबर या लिटरल का पावर अगर माइनस में होता है तो हम उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, हमारा हो जाएगा 3 का पावर 1 बाय 2 बाय 15 का पावर 1 बाय 4 होल टू द पावर 2 इज इक्वल टू, लिख सकते हैं 3 का पावर 1 बाय 2 होल टू द पावर 2 बाय 15 का पावर 1 बाय 4 होल टू द पावर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे 3 का पावर 1 बाय 2 इंटू 2 बाय 15 का पावर 1 बाय 4 इंटू 2। अब यहाँ 2 और 2 को कॉमन फैक्टर्स डिवाइड कर लेंगे, 2 वन जा 2, 2 वन जा 2। यहाँ पर भी 2 और 4 को कॉमन फैक्टर्स डिवाइड कर लेंगे, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4 इज इक्वल टू 3 का पावर 1 बाय 15 का पावर 1 वन जा 1 बाय 2 इज इक्वल टू 3 बाय 15 का पावर 1 बाय 2। दिस इज आवर आंसर। ठीक है,